अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ के एक्सरसाइज 3 पॉइंट 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अब बस स्टार्ट ट्रैवलिंग एट 6:15 AM एंड स्टॉप एट 8:50 PM, फाइंड द जर्नी टाइम। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम एंड जर्नी टाइम। वी ऑफन सी अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम ऑन द मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। टाइम टेबल्स ऑफ डिफरेंट एयरलाइंस एंड ट्रेन्स आल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द जर्नी टाइम। इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट कैलकुलेटिंग अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम एंड जर्नी टाइम फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। The following questions are used to calculate arrival journey and departure time. Arrival time equal होता है departure time plus journey time. Arrival time क्या होता है? The time when a journey ends or someone something arrives is called arrival time. Arrival time क्या होता है कि जब journey end होती है, ठीक है, or someone arrives is called arrival time. जब जर्नी एंड होती है तो वो क्या होता है? अराइवल टाइम। कोई जब किसी जगह पे पहुंचता है तो जर्नी ख़त्म हो जाती है ना, एंड हो जाती है, तो वो अराइवल टाइम होता है, ठीक है। डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम इक्वल होता है अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। तो डिपार्चर टाइम की डेफिनेशन क्या है? द टाइम व्हेन अ जर्नी स्टार्ट्स और समवन समथिंग डिपार्ट्स इज कॉल्ड द डिपार्चर टाइम। जब जर्नी स्टार्ट होती है तो वो क्या होता है? डिपार्चर टाइम, ठीक है। जब जर्नी एंड होती है तो वो क्या होता है? अराइवल टाइम। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी हैं। जर्नी टाइम इक्वल होता है अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। द टाइम विच समवन समथिंग टेक्स फॉर द जर्नी इज कॉल्ड द जर्नी टाइम, यानी कि जो सफ़र में वक्त लगता है ना, वो क्या होता है? जर्नी टाइम। तो ये तीनों डेफिनेशन आपने याद रखनी है और ये तीनों फार्मूला भी। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब बस स्टार्ट्स ट्रैवलिंग एट 6:15 AM। एक बस सुबह 6:15 पर सफ़र शुरू करती है एंड स्टॉप्स एट 8:50 PM और रात 8:50 पर जाकर रुकती है, ठीक है, स्टॉप करती है। फाइंड द जर्नी टाइम। तो सफ़र का दौरानिया मालूम करें, तो इसका हमने जर्नी टाइम फाइंड करना है। जर्नी टाइम का फार्मूला क्या है? अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट कन्वर्ट टावेल वार टाइम इनटू 24 आवर टाइम। तो हमने 12 घंटे के वक़्त को 24 घंटों के वक़्त में तब्दील करना है, ठीक है। डिपार्चर टाइम क्या है? बस स्टार्ट करती है, ठीक है, सफ़र स्टार्ट करती है, वो डिपार्चर टाइम है, ठीक है। द टाइम व्हेन अ जर्नी स्टार्ट, वो क्या होता है? डिपार्चर टाइम। तो कब स्टार्ट करती है सफ़र? 6:15 AM सुबह के 6:15 6:15 AM। ये 12 घंटे का वक़्त है, इसको हमने 24 घंटों के वक़्त में तब्दील करना है। तो AM को एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 6:15। अब अराइवल टाइम लिखते हैं। अराइवल टाइम क्या होता है? अराइवल टाइम द टाइम व्हेन अ जर्नी एंड्स, जब एक जर्नी एंड होती है तो वो क्या होता है? अराइवल टाइम। तो एंड कब हुआ? 8:50 पर, 8:50 PM 8:50 PM रात के 8:50। तो इसमें हमने 12 ऐड कर देने हैं, ये 12 घंटे का वक़्त है ना, इसको हमने 24 घंटों के वक़्त में तब्दील करना है,
तो इसमें 12 ऐड कर देंगे, 850 में हम 12 ऐड कर देंगे, 05, 8 और 2 10, 10 का 0 एक कैरी, 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 20 50। तो ये हमने 12 घंटे के वक्त को 24 घंटों के वक्त में तब्दील कर दिया। हमने क्या फाइंड करना है, हमने जर्नी टाइम फाइंड करना है। जर्नी टाइम का फार्मूला क्या है, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। ये देखें, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम इक्वल है जर्नी टाइम, तो हमने जर्नी टाइम फाइंड करना है। अराइवल टाइम है आर मिनट्स, आर कितने हैं 20, 20 घंटे 50 मिनट, ठीक है। अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम 6:15, 6 घंटे 15 मिनट, ये इक्वल आ जाएगा जर्नी टाइम। जर्नी टाइम पहले हम मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 50 माइनस 15 तो ये आएगा 35, 20 माइनस 6 तो ये आ गया 14, 14 घंटे 35 मिनट, ये है जर्नी टाइम। सो जर्नी टाइम, जर्नी टाइम क्या है, 14 आवर्स 35 मिनट्स। तो ये हमने जर्नी टाइम फाइंड करना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 है, अली लेफ्ट होम फॉर स्कूल एट 8 AM। अली स्कूल के लिए सुबह 8 बजे रवाना हुआ एंड अराइव्ड स्कूल एट 8:30 AM और वो सुबह 8:30 पे स्कूल पहुंचा। He remained at school for 5 hours 15 minutes. वो स्कूल में 5 घंटे और 15 मिनट ठहरा। When did he get off from the school? वो स्कूल से कब फारिग हुआ। How much time he remained outside home? उसने कितना वक़्त घर से बाहर गुजारा। वो कितना टाइम घर से बाहर रहा। एक चीज़ हमने ये फाइंड करनी है और एक चीज़ ये कि उसको स्कूल से किस वक़्त छुट्टी हुई, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अलीज डिपार्चर टाइम फॉर स्कूल, अलीज डिपार्चर टाइम फॉर स्कूल। डिपार्चर टाइम क्या होता है, द टाइम व्हेन अ जर्नी स्टार्ट, तो डिपार्चर टाइम कि वो जब जर्नी स्टार्ट करता है। डिपार्चर टाइम क्या है, 8 AM सुबह के 8 बजे, 12 घंटे को 24 घंटों में तब्दील करेंगे तो 7 AM ख़त्म कर देंगे, तो ये आएगा 8। अलीज अराइवल टाइम एट स्कूल, अराइवल टाइम एट स्कूल, अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या होता है कि जब जर्नी एंड होती है, ठीक है। द टाइम व्हेन अ जर्नी एंड्स, जर्नी एंड किस वक्त हुई, 8:30 पे। वो 8 बजे घर से रवाना हुआ और 8:30 पे स्कूल पहुंचा, 8:30 AM। इसको भी हम 24 घंटों में तब्दील करेंगे तो ये आएगा 8:30, साथ जो AM है इसको हमने ख़त्म कर दिया। द टाइम स्पेंट इन स्कूल, तो उसने स्कूल में कितना वक्त गुजारा, उसने स्कूल में 5 घंटे 15 मिनट गुजारा। द टाइम स्पेंट इन स्कूल,
स्कूल में उसने कितना वक्त गुजारा? 5 आवर 15 मिनट्स। तो स्कूल का क्लोजिंग टाइम फाइंड करेंगे, आर मिनट्स स्कूल का टाइम क्या होगा? 8:30 पे वो स्कूल में एंटर हुआ है, 8 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, स्कूल में उसने कितना वक्त गुजारा है? 5 आवर 15 मिनट्स है, 5 आवर 15 मिनट्स इसमें ऐड कर देंगे तो स्कूल का क्लोजिंग टाइम आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे, 30 प्लस 15 तो ये आ गया 45, 8 प्लस 5 13 तो ये आ गया 13 आवर्स 45 मिनट्स। ये आ गया 24 घंटे का वक़्त, इसको हम 12 घंटे में तब्दील कर देंगे। सो टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्कूल, टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्कूल, स्कूल के बंद होने का वक़्त 13 आवर्स 45 मिनट्स है ना, तो इसमें से हम 12 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये 12 घंटों में तब्दील हो जाएगा। 24 घंटे का वक़्त 13 आवर्स 45 मिनट्स। बारह घंटे इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, 5 5 4 3 - 2 1 1 - 1 0 तो 1:45 आएगा, 1:45 PM। ठीक है, दोपहर के 1:45 पर स्कूल बंद होगा, क्लोज होगा, यानी कि उसको 1:45 पर छुट्टी होगी। टाइम स्पेंड बाय अली आउटसाइड द हाउस, तो ये हमने फाइंड करना है कि अली ने घर से बाहर कितना वक्त गुजारा। टाइम स्पेंट बाय अली आउटसाइड द हाउस, घर से बाहर उसने कितना वक्त गुजारा? 13 आवर्स 45 मिनट्स में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे 8, 13 आवर्स 45 मिनट्स माइनस 8 है क्योंकि वो 8 बजे घर से रवाना हुए हैं, 8 से 1:45 तक वो स्कूल में रहा है यानी कि बाहर घर से रहा है, तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितनी देर घर से बाहर रहा। आवर्स मिनट्स, आर कितने हैं? 13, मिनट्स कितने हैं? 45, 13 आवर्स 45 मिनट्स माइनस कर देंगे 8। ठीक है, 45 एज इट इज़ आ गया क्योंकि ये 0:0 है, 13 - 8 तो ये आ गया 5, 5 आवर्स 45 मिनट्स वो घर से बाहर रहा। सो अली स्पेंट 5 आवर्स 45 मिनट्स आउटसाइड, घर से बाहर उसने 5 घंटे 45 मिनट गुजारे, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। सलमान स्टार्टेड हिज जर्नी एट 4:50 PM, सलमान ने अपना सफ़र 4:50 पर शाम को शुरू किया, शाम के 4:50 पे उसने अपना सफ़र शुरू किया यानी कि डिपार्चर टाइम क्या है उसका? 4:50 PM एंड ट्रेवल्ड फॉर 8 आवर्स, उसने 8 घंटे सफ़र किया, जर्नी टाइम क्या है उसका? 8 घंटे, 8 आवर्स उसका जर्नी टाइम है।
When did he finish his journey? उसने अपनी जर्नी किस वक्त ख़त्म की? उसका हमने अराइवल टाइम फाइंड करना है। तो जर्नी जब फिनिश होती है तो वो क्या होता है? अराइवल टाइम। अराइवल टाइम द टाइम व्हेन अ जर्नी एंड्स। जब जर्नी एंड होती है तो वो क्या होता है? अराइवल टाइम। तो हमने अराइवल टाइम फाइंड करना है। ये देखें, जर्नी एंड हो रही है, जर्नी फिनिश हो रही है, तो हमने अराइवल टाइम फाइंड करना है। राइट आंसर्स इन टाबेल बार्स एंड 24 आवर फॉर्मेट। तो हमने आंसर को 12 घंटों में और 24 घंटों में लिखना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम का मतलब क्या है? कि जब जर्नी स्टार्ट होती है। जर्नी कब स्टार्ट हुई? 4:50 PM। तो ये 12 घंटे का वक़्त, इसको हम 24 घंटों में तब्दील करेंगे। तो ये शाम के 4:50 हुए ना, PM लिखा हुआ, इसमें हम 12 ऐड कर देंगे। अगर AM लिखा होता तो इसको एज इट इज़ लिख देना था। अगर इसके साथ AM लिखा होता तो इसको एज इट इज़ लिख देना था 4:50। इसके साथ PM लिखा हुआ है तो इसमें 12 ऐड कर देंगे। 4:50 में 12 ऐड करेंगे, 4:50 इसमें हम 12 ऐड कर देंगे, 4:26:01, तो ये आ गया 16:50। तो ये 24 घंटों में तब्दील हो गया। अब जर्नी टाइम क्या है? जर्नी टाइम है 8 आवर्स, क्योंकि उसने 8 घंटे सफ़र किया है। 8 आवर्स क्या है? जर्नी टाइम। तो हमने अराइवल टाइम फाइंड करना है। अराइवल टाइम क्या होता है? डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम है आर मिनट्स, आर कितने हैं? 16, मिनट्स हैं 50। जर्नी टाइम है 8 आवर्स, 8 आवर्स, मिनट्स क्या हैं? 0:00। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास अराइवल टाइम आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। 50 + 0:00 तो ये आ गया 50, 16 + 8 तो ये आ गया 24, 24 घंटे 50 मिनट, यानी कि ये अगला दिन स्टार्ट हो गया है। रात के 12:50 हुए हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, इट मीन्स ही फिनिश्ड हिज जर्नी एट 12:50 AM, रात के 12:50 हुए हैं, ठीक है। अगले दिन, नेक्स्ट डे, आज जो शाम के 4:50 पर उसने जर्नी स्टार्ट की है, तो एंड कब हुई है? क्योंकि उसने 8 घंटे सफ़र किया है, 8 घंटे जर्नी टाइम है, तो रात के 12:50 पर जर्नी एंड हुई है अगले दिन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12:50 AM, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 00:50 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, अहमद रीच्ड एक्सपो सेंटर एट 9 AM टू अटेंड बुक फेयर। अहमद एक किताब मेला में शिरकत के लिए सुबह 9 बजे एक्सपो सेंटर पहुंचा। ही लेफ्ट बुक फेयर एट 3:40 PM। वो शाम
3:40 पर एक्सपो सेंटर से रवाना हुआ। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर, उसने किताब मेला में कितना वक्त गुजारा। तो हमने जर्नी टाइम फाइंड करना है। जब वो एक्सपो सेंटर पहुंचा है ना, वो क्या है, डिपार्चर टाइम। जब उसने बुक फेयर को लेफ्ट किया है तो वो क्या है, अराइवल टाइम। तो हमने जर्नी टाइम फाइंड करना है। जब जर्नी स्टार्ट होती है वो क्या होता है, डिपार्चर टाइम। जर्नी स्टार्ट कब हुई है, 9 AM पर, और जर्नी एंड हुई है 3:40 PM पर। तो जब जर्नी एंड होती है वो क्या होता है, अराइवल टाइम। ये देखें अराइवल टाइम क्या है, द टाइम व्हेन अ जर्नी एंड्स, तो ये क्या होता है, अराइवल टाइम। हमने जर्नी टाइम फाइंड करना है, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिपार्चर टाइम के जब जर्नी स्टार्ट हुई है, जर्नी स्टार्ट कब हुई है, जब वो बुक फेयर में एंटर हुआ है, ठीक है। जब वो एक्सपो सेंटर में एंटर हुआ है ना, तो वो क्या होता है उसका, डिपार्चर टाइम, यानी कि जब जर्नी स्टार्ट हुई है। जर्नी स्टार्ट हुई है 9 AM पे, तो ये 12 घंटे का वक्त है, इसको हमने 24 घंटे के वक्त में तब्दील करना है। तो इसके साथ AM लिखा हुआ है, तो AM को ख़त्म करके सिर्फ इसको लिख देंगे 9:00 मिनट, ठीक है। ये इसका डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम का मतलब क्या है कि जब जर्नी स्टार्ट हुई है, अराइवल टाइम जब जर्नी एंड हुई है। अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम वो होता है जब जर्नी एंड होती है। तो उसने बुक फेयर को कब लेफ्ट किया है, 3:40 PM पे, 3:40 PM। तो ये PM साथ लिखा हुआ है, इसको अभी हमने 24 घंटे के वक्त में तब्दील करना है। तो इसमें हम 12 ऐड कर देंगे, AM जब लिखा हो साथ तो उसमें 12 ऐड नहीं करते, जब PM लिखा हो साथ तो उसमें 12 ऐड कर देते हैं। 3:40 में 12 ऐड कर देंगे, 0, 4, 3, 2, 5, 1, 15:40। अराइवल टाइम क्या है, 15:40, यानी कि जर्नी का एंड टाइम। तो हमने जर्नी टाइम फाइंड करना है, टाइम ड्यूरेशन के कितना वक़्त उसने बुक फेयर में गुजारा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जर्नी टाइम, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम इक्वल है जर्नी टाइम। अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या है, आर मिनट्स, आर कितने हैं, 15 hours 40 minutes। अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम क्या है, 9:00 minutes। तो हमने जर्नी टाइम फाइंड करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इसको, फोर्टी माइनस ज़ीरो ज़ीरो तो ये आ गया 40, 15 - 9 तो ये आ गया 6 hours 40 minutes। तो उसने बुक फेयर में कितना टाइम गुजारा है, 6 hours 40 minutes। लिखेंगे सो ही स्पेंट 6 hours 40 minutes एट बुक फेयर। उसने बुक फेयर में 6 hours 40 minutes वक्त गुजारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। रिहान अटेंड एन ऑनलाइन लेक्चर फॉर 1 hour 40 minutes विच एंडेड एट 3:45 PM।
रेहान ने एक ऑनलाइन लेक्चर 1 घंटा और 40 मिनट का लिया जो कि शाम 3:45 पर ख़त्म हुआ। ठीक है, वेन डिड ही स्टार्ट टू अटेंड द लेक्चर, तो उसने लेक्चर कितने बजे लेना शुरू किया। तो ये देखें, जर्नी टाइम है 1 आवर 40 मिनट्स, अराइवल टाइम यानी कि जर्नी एंड कब हुई है 3:45 PM पे। अराइवल टाइम और जर्नी टाइम दिया हुआ है, हमने डिपार्चर टाइम फाइंड करना है। डिपार्चर टाइम का मतलब क्या है कि जब जर्नी स्टार्ट हुई, डिपार्चर टाइम का मतलब क्या है, द टाइम व्हेन अ जर्नी स्टार्ट, हमने स्टार्ट वाला टाइम फाइंड करना है ना, एंड वाला टाइम और जर्नी टाइम तो हमें दिया हुआ है, तो हमने डिपार्चर टाइम फाइंड करना है। डिपार्चर टाइम इक्वल है अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जर्नी टाइम है 1 आवर 40 मिनट्स, अराइवल टाइम जब जर्नी एंड हुई है, जर्नी कब एंड हुई है 3:45 PM पे। हमने डिपार्चर टाइम फाइंड करना है। डिपार्चर टाइम का फार्मूला क्या है, अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। अराइवल टाइम है आर मिनट्स, अराइवल टाइम 3 आवर मिनट्स क्या हैं 45, जर्नी टाइम डिपार्चर टाइम इक्वल अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। जर्नी टाइम क्या है 1 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स माइनस अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम, तो यह आएगा डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम का मतलब क्या है कि जब जर्नी स्टार्ट होती है, 45 माइनस 40 तो ये आ गया 5 मिनट्स, 3 माइनस 1 2, 2 आवर्स 5 मिनट्स, तो ये 2:05 पे लेक्चर शुरू हुआ है। सो द लेक्चर So the lecture was started at 2:05 PM, दोपहर के 2:05 पे लेक्चर शुरू हुआ है, तो यही हमने फाइंड करना था कि लेक्चर कब स्टार्ट हुआ है। 2:05 पे स्टार्ट हुआ है तो 1 घंटा 40 मिनट लेक्चर जारी रहा है, तो ख़त्म कब हुआ है 3:45 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। उस्मान वेंट टू अ चैरिटी प्रोग्राम एट 9:50 AM ऑन संडे। उस्मान इतवार को एक खैराती प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर गया। ही रिटर्नड एट 11:25 AM और वो सुबह के 11:25 पर वापस आ गया। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ओवर देर, वो उसमें कितना वक्त गुजार कर आया, यानी कि वो वहाँ पे कितना वक्त रहा, उसने वहाँ पे कितना वक्त गुजारा, वो हमने फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, जर्नी टाइम फाइंड करना है। डिपार्चर टाइम है 9:50 AM यानी कि जब जर्नी स्टार्ट हुई, जब जर्नी एंड हुई अराइवल टाइम 11:25। जर्नी टाइम का फार्मूला देख लेते हैं। अराइवल टाइम, जर्नी टाइम का फार्मूला है अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। तो इसको हल करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिपार्चर टाइम डिपार्चर टाइम का मतलब क्या है कि जब जर्नी स्टार्ट हुई है, तो जर्नी कब स्टार्ट हुई है? 9:50 AM पे, 9:50 AM। जर्नी एंड यानी कि अराइवल टाइम, जर्नी कब एंड हुई है? 11:25 पे AM। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है? जर्नी टाइम, कि उसने कितना वक्त वहाँ पे गुजारा। जर्नी टाइम का फार्मूला है अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। आर मिनट्स, आर कितने हैं? 11 मिनट्स हैं 25। डिपार्चर टाइम जर्नी स्टार्ट कब हुई है? 9:50 पे। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यह आएगा जर्नी टाइम। पच्चीस में से हम 50 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर से 1 आवर बोरो लेंगे। ठीक है, तो जब 1 आवर इधर आएगा तो 60 मिनट बन जाएगा। 60 प्लस 25, तो ये कितना आ जाएगा? 60 प्लस 25, तो ये आएगा 85। 85 माइनस 50 कर देंगे, यहाँ पे 85 हो जाएगा। ठीक है, 60 जब इधर आएगा, 60 में 25 ऐड कर देंगे तो 85 बन जाएगा। 85 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा 35। इधर बच गया 10, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 1। 1 आवर 35 मिनट्स आ गए जर्नी टाइम। ठीक है, तो उसने वहाँ पे कितना वक्त गुजारा है? 1 आवर 35 मिनट्स। सो ही स्पेंट 1 आवर 35 मिनट्स तो उसने 1 आवर 35 मिनट्स गुजारे हैं वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।